हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो क्या है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें कि इन सभी दिए गए प्रश्नों के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य का मतलब होता है जोड़ना और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी भी संख्या में उसका उल्टा जोड़ना है। तो देखिए उल्टा का मतलब जैसे 5 है तो 5 में 5 का उल्टा क्या हो जाएगा कि ये 5 किसका है, प्लस का 5। तो इसमें क्या जोड़ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इसमें जोड़ना। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस के होने पर हमेशा घटाव होता है। तो ये 5 माइनस 5 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये आसान भाषा में बोले तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में कितना जोड़े कि उसका आंसर 0 हो जाए। तो हमेशा किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमेशा क्या होता है, 0 नहीं होता है, लेकिन किसी भी संख्या में से उतना ही घटाए तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये जितनी संख्या दी है अगर संख्या प्लस की है तो उसमें इतना ही माइनस की संख्या जोड़ेंगे, और संख्या पहले से माइनस की दी हुई है तो इसमें इतना ही हम प्लस की संख्या जोड़ेंगे। जैसे ये माइनस का 6 है तो इसके अंदर प्लस का 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0। तो ये -6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 6। चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है 2/8, ये भिन्न रूप में है 2/8। तो देखिए 2/8 है जो प्लस में है तो इसका उल्टा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का इतना ही इसमें से हम घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8। ये प्लस का 2/8 है, इसमें ये माइनस का 2/8 जोड़ेंगे तो ये आपस में प्लस और माइनस कटेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो ये 2/8 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 2/8। फिर क्या है, यहाँ पे ये संख्या माइनस की दी हुई है तो अब इसमें इतना ही प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम होगी वो प्लस की संख्या की योज्य प्रतिलोम बराबर योज्य या योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 5/9, क्योंकि ये संख्या पहले से माइनस में दी हुई है तो इसमें इतना ही प्लस का जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन दोनों की योग 0 हो जाएगी और आंसर 0 आता है, दो संख्याओं को जोड़ने पर आंसर 0 आता है तो ये आपस में योज्य प्रतिलोम कहलाती है। चलिए अब क्या है, ये दोनों संख्या माइनस की तो आपको पता है माइनस का भाग माइनस में देने पर प्लस आता है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, आसान भाषा में बोले तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगी संख्या 6/5। अब ये 6/5 है जो किसका है, ये प्लस की संख्या है तो इसमें क्या करेंगे हम, इतना ही माइनस की संख्या जोड़ेंगे तब इसका आंसर क्या होगा, 0। तो इनका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 6/5। इसी तरीके से देखो ये माइनस के 9/2, 2 के 2/2 माइनस का 9 है तो ये आपको ध्यान रखना है कि बट्टे में चाहे ऊपर वाली संख्या माइनस की हो चाहे नीचे वाली संख्या, ये हमेशा पूरी संख्या माइनस में मानी जाती है। तो ये संख्या पूरी माइनस की रहेगी तो ये माइनस के 2/9 है। अब इसमें कितना जोड़े कि ये प्लस हो जाएगी, तो इसके अंदर प्लस के 2/9 जोड़ने पर ये 0 हो जाएगी। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। अब देखो इसका यहाँ पे भी आपको बताए दोनों माइनस की संख्या है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की, मतलब माइनस में माइनस का भाग लगाने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस के 9/6। अब इसके अंदर कितना जोड़े तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस की संख्या हो जाएगी क्योंकि ये दोनों संख्या प्लस की है तो इसका उल्टा प्लस का उल्टा आपको पता है ये माइनस होता है तो प्लस का उल्टा माइनस, और ये संख्या बराबर जितनी है उतना ही घटाएंगे हम तो ये 9/6। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 9/6 है जो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा।